मैं हूं जीशान आरिफ और आप देख रहे हैं अपने इस YouTube चैनल जीशान मॉनिटर। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे, अगर आप बिहार के हैं, अगर आपका जमीन का कोई भी रसीद, कोई भी कागज आपके पास नहीं है, कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है, चाहे वो खो गया हो या चोरी हो गया, जल गया, कोई भी कागज, तो आप आपका जमीन का रजिस्टर या कोई भी कागज या कोई भी चीज आपके पास जमीन का नहीं है, तो किस तरह आप ऑनलाइन डाउनलोड कर पाएंगे, आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे। जब अपने जमीन को रजिस्टर किया था दूसरे के नाम पे, जब अपने नाम पे लिया था, कोई भी चीज़ किया होंगे, तो आप उसकी कागजात को ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हो, ना कहीं आपको कहीं जाने की ज़रूरत, ना आपको टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत, ना पैसा खर्च करने की ज़रूरत, सिर्फ आपको ये वीडियो देखने की ज़रूरत है और पूरी तरह विस्तार से समझ जाएगी इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस घंटी के आइकन को दबाएं, ऑल सेलेक्ट करें हमारी सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वेबसाइट का लिंक दिया है, देख पा रहे हैं, आपको वेबसाइट पे के लिंक पे क्लिक करना होगा। जैसे आप वेबसाइट के लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपसे पूछ रहा है, यहाँ पे देख लीजिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, यानी कि पूछ रहा है आप कब जमीन दूसरे के नाम पे लिखे थे या अपने नाम पे लिए थे, यानी कब रजिस्ट्रेशन किए थे। यहाँ पहला ऑप्शन है 2016 के बाद, दूसरा जो है, दूसरा ऑप्शन अगर 2006 से 2015 के बीच में आप किए हैं तो दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करना है, अगर आप 2005 से पहले किए तो आपको तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा, जो कर किए वो आपको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किस ऑफिस में रजिस्ट्रेशन किए हैं, यहाँ बिहार के सभी जिले आ जाएंगे, जो भी जिले यहाँ पे देख लेना आपका जिला आ जाएगा। मान लीजिए आपका जिला यहाँ पे नहीं आता है तो यहाँ पे प्रेस वन है तो प्रेस टू करेंगे, उसके बाद यहाँ पे अपने जिला का नाम खोज लेंगे। अगर प्रेस वन में आपके जिला का नाम रजिस्ट्रेशन ऑफिस नहीं आ रहा है तो प्रेस टू कर लेंगे, देख लीजिएगा जिसमें भी आपका आ जाए। तो मैं प्रेस वन करता हूँ और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ऑफिस सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद प्रॉपर्टी किस लोकेशन वो आपको सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे आपको अनुमंडल मिल जाएगा, अपने अनुमंडल को सेलेक्ट करना है प्रॉपर्टी लोकेशन में। उसके बाद यहाँ पे आपको सर्किल सेलेक्ट करना है, जो भी सर्किल आपका होगा यहाँ पे अपने सर्किल को आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद पूछ रहा है मोजा सेलेक्ट करना, मोजा मतलब आपके गाँव, जो भी आपका गाँव है वो गाँव आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ डेट कब से कब हुआ था वो आप यहाँ पे दे सकते, नहीं छोड़ दीजिए खाली, सीरियल नंबर भी नहीं है वो भी खाली छोड़, डीड नंबर खाली छोड़ दे, और यहाँ भी पार्टी नेम यानी जिसके नाम पे जमीन है उसका नाम देना होगा, ठीक है, या बेचने वाला या खरीदने वाला किसी का नाम आप यहाँ पे इंटर कर सकते हो। और यहाँ पे एरिया डिसिप्लिन नहीं है, खाता नंबर प्लॉट नंबर कुछ हमारे पास नहीं है, ओनली हमारे पास नाम है, ठीक है, तो नाम से आप सर्च कर सकते हो। उससे पहले मैं दिखा देता हूँ, बिना नाम का सर्च करते तो क्या लिस्ट आता है, तो सर्च पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए मैंने किसी का नाम नहीं दिया, सिर्फ अपने एरिया को सेलेक्ट किया, एरिया को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं 1657 लिस्ट हमारे एरिया के आ चुके हैं। व्यू क्लिक हियर फॉर व्यू डिटेल पे करके हम पूरी एरिया के डिटेल निकाल सकते, पूरी डाउनलोड कर सकते हैं, तो उसमें बहुत सारा समय लगेगा, खोजना पड़ेगा, इसलिए हमारे पास पार्टी का नाम है तो मैं पार्टी का नाम यहाँ पे इंटर कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं सर्च पे क्लिक करूँगा तो अब जो इस पार्टी के नाम पे जितना भी होगा वो हमें शो करेगा। अभी तो ये 1657 जो शो किया ये पूरे मेरे पंचायत का यहाँ पे शो कर रहा है। देखिए मैंने इस पार्टी का नाम दिया तो यहाँ पे तीन रिकॉर्ड आ चुके हैं, तीन ट्रांजेक्शन आ चुके हैं। तो चलिए यहाँ पे क्लिक हेयर टू व्यू डिटेल, क्लिक हेयर टू व्यू डिटेल पे क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक हेयर पे व्यू डिटेल पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके सामने बहुत इस तरह की डिटेल है। यहाँ पे देखिए तीन वहाँ पे दिखाया था, यहाँ पे तीन, वन टू थ्री तीन दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए किसके किसके नाम पे, क्या सीरियल नंबर, क्या डीड नंबर, क्या टोकन नंबर और क्या रजिस्ट्रेशन ईयर है। तो यहाँ फर्स्ट में जो नाम रहेगा ये दूसरे को रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्री क्या है, और
फर्स्ट में जिसका नाम रहेगा वो बेचने वाला हुआ, और नीचे में सेकंड में जो नाम हो वो खरीदने वाला हुआ, ठीक है। और यहाँ पे सर्किल वगैरह आ जाए। मान लीजिए पहला जो ऑप्शन दे रहा है, पहला सीरियल नंबर ये जो दे रहा है, हमको इस जमीन के डिटेल चाहिए, इस जमीन का दस्तावेज चाहिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख लीजिए डिस्ट्रिक्ट के नीचे व्यू डिटेल आपको ऑप्शन मिल रहा है, तो चलिए व्यू डिटेल पे क्लिक करेंगे। जैसे व्यू डिटेल पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह सेंटर पेज दिखेगा, तो आपको यहाँ पे आ जाना है। उसके बाद यहाँ पे प्रिंट है, प्रिंट भी कर सकते हैं या बैक भी कर सकते। उसके नीचे आपको मिला क्लिक हेयर टू व्यू डीड, क्लिक हेयर टू व्यू डीड पे आपको क्लिक कर देना है। अगर आपको इस ऑप्शन नहीं दिख रहा है इसका मतलब आपका डॉक्यूमेंट पीडीएफ अभी अपलोड नहीं हुआ है, तो आप ट्राई करते रहिए, कभी भी अपलोड हो सकता है। इस पे जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे देख सकते हमारा ये डॉक्यूमेंट दस्तावेज पूरी तरह यहाँ पे आ चुका है। इसको हम इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करके यहाँ पे हम डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद पूछा इसको सेव कहाँ करना चाहते हैं, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद सेव पे क्लिक कर दीजिए। इसी तरह जो भी जमीन का निकालना, मान लीजिए ये वाला निकालना चाहते हैं 3 नंबर, तो व्यू डिटेल पे क्लिक करेंगे। फिर से बता देता हूँ, व्यू डिटेल पे जैसे आप क्लिक करेंगे, नेटवर्क सोलो चल रही है इसकी वजह से परेशानी हो रही है, तो जैसे इस क्लिक करेंगे यहाँ पे देख पा रहे हैं क्लिक हेयर टू व्यू डीड, ये अगर ऑप्शन आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आ रहा है तो आप कुछ दिन वेट कर लीजिए, आपका डॉक्यूमेंट पीडीएफ अभी अपलोड नहीं हुआ है, आपका पूरा डिटेल अपलोड कर दिया गया लेकिन आपका पीडीएफ अपलोड नहीं किया गया। पीडीएफ अपलोड जब हो जाएगा तो आपको क्लिक हेयर टू व्यू डीड पे क्लिक करना होगा, इस तरह का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको आपके डॉक्यूमेंट पीडीएफ में ओपन हो जाएंगे, और यहाँ पे आपको देख लीजिए हमारा डॉक्यूमेंट जो आ चुका है, ठीक है। इसको आप इसी तरह डाउनलोड कर लीजिए, यहाँ पे डाउनलोड के आइकन पे क्लिक करेंगे या प्रिंट भी डायरेक्ट आप कर सकते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपने सीख लिया, बिना किसी नंबर का, बिना सीरियल नंबर, बिना फॉलोअर नंबर, बिना डेट नंबर, बिना पार्टी का नाम, किसी चीज बिना कुछ एक चीज भी जानकारी लिए आप किसी भी जमीन का पूरी डिटेल, पूरी कुंडली निकाल सकते हो ऑनलाइन। इस वीडियो में आपने सीख लिया, बिना कुछ, अगर नाम आपके पास है तो पार्टी के नाम से सर्च कर सकते हो, वो भी मैंने आपको बता दिया। कोई नाम नहीं है तो आप सारे बॉक्स को खाली छोड़ दीजिए, अपने एरिया को सेलेक्ट करके सर्च पे कर दीजिए, उसके बाद आपको बहुत सारे रिजल्ट आ जाएगा, उसमें आपको अपना नाम जो है वो खोज लेना होगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पहली बार आए तो लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा।